हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करना चाहूंगा। आज हम यहां पर फिर डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट 1915 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 4 से रिलेटेड, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाएगा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915। तो चलिए यहाँ समय बात करते हुए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। चैप्टर 4 पर एक बार नजर डालें। चैप्टर 4 यहाँ पर जो रिलेटेड है विनिर्माण कब्जा तथा विक्रय से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरर और पोजीशन एंड सेल से रिलेटेड। इसके क्वेश्चन का आंसर पर हम एक बार नजर डालेंगे यहाँ पे। चलिए जरा ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत मादक द्रव्यों के विनिर्माण आदि के लिए अपेक्षित अनुज्ञप्ति का प्रावधान किया गया, जिसमें से आ धारा 12, बा धारा 13, सा धारा 14, दा धारा 15। इसमें बी राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। घरेलू उपयोग के लिए मदिरा के विनिर्माण करने के लिए किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को छूट देने की शक्ति किसमें निहित है? आ आबकारी अधिकारी, बा आबकारी आयुक्त और सा कलेक्टर और दा राज्य सरकार। दा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत आसवनियों और भंडागारों की स्थापना या फिर अनुज्ञापन देना एवं बंद कराने की शक्ति प्राप्त है आ आबकारी अधिकारी, बा आबकारी आयुक्त और सा कलेक्टर और दा उच्च न्यायालय। थोड़ा सा स्पीड में लीजिए प्लीज। जी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत स्थापित या अनुज्ञप्त किसी भी डिस्टिलरी, ब्रुअरी और भंडागार या भंडारकरण को अन्य स्थान पर हटाया जाएगा आप कलेक्टर की मंजूरी से, बा आबकारी आयुक्त की मंजूरी से, सा उच्च न्यायालय की मंजूरी से, दा राज्य सरकार की मंजूरी से। इसमें डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। मादक द्रव्यों के कब्जे के लिए मात्रा की परिसीमा निर्धारित करने का प्रावधान आबकारी अधिनियम की किस धारा में है? आ पर सेक्शन 16, सेक्शन 18, सेक्शन 10 और सेक्शन 13। इसमें से ए आंसर राइट है, सेक्शन 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि निम्नांकित में से कौन सी मादक द्रव्य के कब्जे के लिए परिमाण की परिसीमा भेद कर सकेगा? आ आबकारी अधिकारी, बा आबकारी आयुक्त, सा कलेक्टर और दा राज्य सरकार। इसमें डी आंसर सही है आपका, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम यहाँ पे नजर डालिए। एक बार किसी भी मादक द्रव्यों का विक्रय उस निर्मित प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के प्राधिकार और निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन ही किया जाएगा अन्यथा नहीं, यह प्रावधानित है। नंबर आ धारा 16, धारा 17, धारा 18 और धारा 19। इसमें बी आंसर सही है, धारा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की किस धारा में मादक द्रव्यों के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है? आ धारा 14, बा धारा 15, सा धारा 16 और दा धारा 17। इसमें डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर देखिए, का ताड़ी के वृक्ष से ताड़ी निकालकर ऐसे व्यक्ति को जो इस अधिनियम के अधीन ताड़ी का विनिर्माण या विक्रय करने की अनुज्ञप्ति हो बिना अनुज्ञप्ति के विक्रय करता है का दोषी होगा? आ धारा 16 के तहत, बा धारा 17 के तहत, सा धारा 18 के तहत और दा उसे विक्रय करने का अधिकार है अतः दोषी नहीं है। बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है यदि कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट उपयोग के लिए विदेशी मुद्रा यदि पूर्वक प्राप्त करता है तो? आ वह उस मुद्रा को बेच सकता है, बा उसके स्थान छोड़ने पर उसकी ओर से उस मुद्रा को बेचा जा सकता है,
सा विग्रह के मुद्दे के बिना नहीं बेचा जा सकता तथा उसकी मृत्यु के पश्चात उस मुद्रा को उसके हित प्रतिनिधियों द्वारा बेचा जा सकता है। इसमें सी विक्रय के अनुज्ञप्ति के बिना नहीं बेचा जा सकता, ये हमने जो पढ़ा हुआ था वो सी वाला ऑप्शन याद आया आपको? क्या वाला होता? नेक्स्ट मुझे डालिए। अशोक लंका बनाम ऋषि दीक्षित एआईआर 2006 सुप्रीम कोर्ट 2382 का निर्णय संबंधित है। उसे रिपीट कर रहा हूँ, अशोक लंका बनाम ऋषि दीक्षित एआईआर 2006 सुप्रीम कोर्ट 2382 का निर्णय संबंधित है। आ ऑप्शन पर एक बार नजर डालिए, आबकारी कर के दायित्व से, बा मदरा विक्रय हेतु अनुमति से, सा आबकारी कर लगाने से, डा आबकारी कर वापसी से। देखिए इसमें राइट आंसर है आपका विक्रय हेतु अनुमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के निम्नलिखित में से किस धारा के तहत निर्माण आदि के अधिकार का पट्टा मंजूर करने की राज्य सरकार की शक्ति का प्रावधान किया गया है? नंबर आ धारा 17, बा धारा 18, स धारा 19, द धारा 20। देखो राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए, धारा 18 के तहत राज्य सरकार किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर किसी भी मदरा या मादक औषधि का अधिकार किसी भी व्यक्ति को पट्टे पर दे सकेगी। कार्या आप एक वर्ष की कालावधि के लिए, बा दो वर्ष की कालावधि के लिए, सा तीन वर्ष की कालावधि के लिए, और दा ऐसी कालावधि के लिए जिसे वह उचित समझे। इसमें डी आंसर बिल्कुल सही है, ऐसी कालावधि के लिए जिसे वह उचित समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए, यहाँ कहा गया है मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत राज्य सरकार से प्राप्त विनिर्माण एवं थोक या फुटकर प्रदाय के पट्टेदारी को अनुज्ञप्ति मंजूर करने का अधिकार है। आ आगम प्राधिकारी को, बा अनुज्ञापन प्राधिकारी को, और सा आबकारी अधिकारी को, द आबकारी आयुक्त को। इसमें भी है अनुज्ञापन प्राधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए, जब तारीख के विनिर्माण का अधिकार धारा 18 के अधीन पट्टे पर दिया गया हो तो निम्नांकित में से कौन यह घोषित कर सकेगा कि ताड़ी निकालने के लिए पट्टेदार की लिखित अनुज्ञा का वही बल तथा प्रभाव होगा जैसा कि उस प्रयोजन के लिए कलेक्टर से प्राप्त की गई अनुज्ञा का होता है? नंबर आ आबकारी आयुक्त, बा उच्च न्यायालय, स राज्य सरकार का आबकारी मंत्रालय। सी बिल्कुल राइट आंसर है, ये राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए, मध्य प्रदेश हो रहा है बीच बीच में, कोई बात नहीं, एक बार चेक करता हूँ, प्लीज लाइन पर रहिए। हेलो गाइस, एक बार चेक कीजिए सभी लोगों को वॉइस क्लियर है, कंफर्म कीजिए प्लीज। ओके चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग नजर डालते हैं यहाँ पर, चलिए देखिए, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत सैनिक छावनियों में मदरा का निर्माण और विक्रय का प्रावधान किया गया है? आ धारा 19, बा धारा 20, स धारा 21, तथा धारा 22। बी बिल्कुल राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए, सैनिक छावनियों में मदरा का विनिर्माण और विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति निम्नांकित में से किसकी जानकारी एवं सम्मति से ही मंजूर की जाएगी? आ सेनाध्यक्ष, बा समादेशक ऑफिसर, स आबकारी आयुक्त, और सा कलेक्टर। बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए, मादक द्रव्य का अनुज्ञप्तिधारी निम्नांकित में से किसकी अतिपेक्षा पर मादक द्रव्य का माप तौल या पर परीक्षण करता है? आ आबकारी अधिकारी, बा आबकारी आयुक्त, स कलेक्टर, द समादेशक ऑफिसर। ये बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के निम्नांकित में से किस धारा के तहत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुषों
के और स्त्रियों के नियोजन का प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। धारा 21 व धारा 22 सा धारा 23 का धारा 24 इसमें भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। कोई भी व्यक्ति जो मादक द्रव्यों का अपने परिसर में उपयोग किए जाने के लिए विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्त है कितने वर्ष से कम आयु के पुरुषों को नियोजित नहीं कर सकता। धारा सॉरी हमें 16 वर्ष का 18 वर्ष सा 21 वर्ष का 24 वर्ष सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए 64। निम्नांकित में से किस पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 22 के अंतर्गत कार्य करने के लिए प्रतिबंध लागू होता है। आ 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष एवं कोई भी महिला, ब 14 वर्ष से कम आयु का बालक, सा बालक एवं कोई भी महिला, द 18 वर्ष से कम आयु का पुरुष एवं कोई भी महिला। ए बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट नजर डालिए। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मदरा या मादक औषधियों के विक्रय का प्रतिषेध किया गया है। आ धारा 22, ब धारा 23, स धारा 23 का, द धारा 24। बी बिल्कुल राइट आंसर है, धारा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि आबकारी अधिनियम की कौन सी धारा है जिसमें यह नियम है कि 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों या स्त्रियों के द्वारा मादक द्रव्य का विक्रय नहीं किया जाएगा। आ धारा 20, ब धारा 23 का, स धारा 23, द धारा 24। सी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर, धारा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालो। कोई भी व्यक्ति जो मादक द्रव्यों का विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्त है कितने वर्ष से कम आयु की किसी व्यक्ति को चाहे ऐसे व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग किए जाने के लिए या चाहे ऐसे विक्रेता के परिसर में या उसके बाहर उपभोग के लिए किसी मदरा या मादक औषधि का विक्रय नहीं करेगा और ना उसे उसका प्रदान करेगा। आ 16 वर्ष से कम, ब 18 वर्ष से कम, स 21 वर्ष से कम, द 24 वर्ष से कम। सी देखो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। किसे मदरा बेची जा सकती है जो 15 वर्ष से कम आयु का ना हो, 18 वर्ष से कम आयु का ना हो, जो 21 वर्ष से कम आयु का ना हो, या किसी भी आयु के व्यक्ति को। सी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की निम्नांकित में से किस धारा के तहत मदरा से संबंधित विज्ञापनों का प्रतिषेध किया गया है। आ धारा 22, ब धारा 23, स धारा 23 का, द धारा 24। सी बिल्कुल राइट आंसर है, ये धारा 23 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। यदि किसी समाचार पत्र, पुस्तक, पंडिका पुस्तक या अन्य प्रकाशन जिसका मुद्रण या प्रकाशन कहीं भी हुआ हो जिसमें कि किसी मदरा की प्रशंसा की गई हो, उसका उपयोग करने का आग्रह किया गया हो या मदरा देने का प्रस्ताव किया गया हो तो निम्नांकित में से कौन ऐसे समाचार पत्र के अंक की प्रत्येक तथा ऐसी पुस्तक या ऐसे अन्य प्रकाशन की प्रत्येक प्रति के संबंध में यह घोषणा कर सकेगा कि वह सरकार को समाप्त हो जाए। यहाँ पर कहा गया आ आबकारी आयुक्त, ब उच्च न्यायालय, स में कलेक्टर, द में राज्य सरकार। इसमें डी राइट आंसर है, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालो। मदरा संबंधी विज्ञापनों वाले प्रकाशित पत्र, पत्रिकाओं, पुस्तकों के कहीं मौजूद होने के संदेह पर तलाशी हेतु पुलिस अधिकारी को वारंट जारी करने की शक्ति निम्नांकित में से किसे प्राप्त नहीं है। आ कलेक्टर को, ब आबकारी निरीक्षक, स प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, द राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी। इसमें भी राइट आंसर है, आबकारी निरीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत लोक शांति के लिए दुकानों को बंद किया जाना प्रावधानित है। धारा 23, धारा 24, धारा 25 और धारा 26। बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर, धारा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए।
सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए ऐसी दुकान जिसमें मादक द्रव्यों की बिक्री होती है जो बंद रखने का आदेश मिलने से कौन दे सकता है? आप जिला मजिस्ट्रेट, आबकारी आयुक्त, सह आबकारी निरीक्षक, न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये बिल्कुल राइट आंसर है, जिला मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 के अधीन मजिस्ट्रेट कोई आदेश जारी करे तो वह अपनी इस कार्रवाई की तथा इसके लिए अपने कारणों के उपलब्ध तुरंत बुलाए इसको आबकारी अधिकारी को, आबकारी आयुक्त को, सब कलेक्टर को, दस सत्र न्यायाधीश। सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये चैप्टर 4 से रिलेटेड आपने क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे हम लोग मिलेंगे। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ठीक लगा होगा। चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।